हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुजरात से सतना भेजे गए 1.98 लाख झंडे रिजेक्ट हो गए हैं। सतना कलेक्ट्रेट में हुई भौतिक जांच के बाद इन झंडों को रिजेक्ट कर वापस लौटा दिया है। यह झंडे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में घर घर तिरंगा फहराए जाने के लिए सतना आए थे। अधिकारियों का कहना है कि कई झंडों में अशोक चक्र गलत स्थान पर बना है, तो कई झंडों का आकार भी सही नहीं है। जानकारी के मुताबिक सतना जिले में 5 लाख घरों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडे फहराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ झंडे स्थानीय स्तर पर NRLM आजीविका के तहत पंजीकृत स्वसहायता समूहों की महिलाओं से तैयार कराए जा रहे हैं, जबकि 2 लाख झंडे उपलब्ध कराने का आग्रह भारत सरकार से सतना जिला प्रशासन ने किया था। अब 2 लाख झंडे बनाने का काम भी स्वसहायता समूह को दिया जाएगा। भारत सरकार से किए गए आग्रह पर 2 लाख झंडे गुजरात से सतना भेजे गए। ये झंडे लेकर 31 जुलाई को एक ट्रक से सतना पहुंचे। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी और हर घर झंडा अभियान के नोडल अधिकारी सौरभ सिंह को झंडों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। जब झंडों की जांच हुई तो गुजरात से आए झंडे कम भी निकले और आदर्श झंडा संहिता के मानकों के अनुरूप भी नहीं पाए गए। झंडे बीच में ऐसे डिजाइन किए गए थे जो देखने में ऐसा लग रहा था कि लहरा रहे हों। इन झंडों में ऐसी कमियां पाई गईं, लिहाजा गुजरात से पहुंची झंडों की खेप को जिला प्रशासन ने रिजेक्ट कर वापस भेजा। नोडल अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि झंडों में अशोक चक्र सही स्थान पर नहीं था। झंडे आयताकार शेप में भी नहीं थे। यहाँ 1,98,000 झंडे पहुंचे थे, जिनमें से रेंडमली 24,000 झंडों की जांच की गई थी। मानकों के विपरीत मिलने वाले झंडों का प्रतिशत ज्यादा होने के कारण खेप रिजेक्ट कर दी गई है। ये झंडे किस वेंडर या संस्था ने भेजे थे यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ आए डिलीवरी चालान में भेजने वाले के नाम की जगह अरविंद लिखा था। नोडल अफसर ने बताया कि 2 लाख झंडों के रिजेक्शन के बाद अब उनकी उस संख्या की आपूर्ति के लिए स्वसहायता समूह की महिलाओं को कहा गया है। सतना में 5 लाख झंडे फहराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हमारे सतना जिले में 5 लाख हाउस होल्ड्स हैं और 5 लाख हाउस होल्ड्स में हम लोगों ने 2 लाख तिरंगे की आपूर्ति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया था और उनके दिशा निर्देश पे ये 2 लाख झंडे की उपलब्धता पिछले 31 तारीख के दिन हमारे पास हुई है। और चूंकि राष्ट्रीय ध्वज एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा होता है, तो हम लोगों ने इसका भौतिक सत्यापन भी किया है और भौतिक सत्यापन करने के बाद ही फिर हम हर घर तक पहुंचाने की हमारी व्यवस्था है। और इसी के तहत हम लोगों ने उनकी कुछ क्वालिटी के इश्यूज थे और जो आदर्श झंडा संहिता के जो मानक रहते हैं उनकी पूर्ति नहीं होने के कारण हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये झंडे हम संबंधित आपूर्तिकर्ता को वापस करेंगे।